तो हेलो दोस्तों, मैट्रिक इंटर पास प्रोत्साहन राशि ऑनलाइन करने का लिंक एक्टिव कर दिया गया है। ऑनलाइन कहां से करना होगा, लिंक आपको कहां से मिलेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, साथ ही कौन कौन सी गलतियां से बचना है, हमारा ऑनलाइन आवेदन रिजेक्ट ना हो, कहीं ये प्रोत्साहन राशि का 10,000 और 25,000 हमारे अकाउंट में ना आए, किन गलतियों से बचना है, उन सभी जानकारी इस वीडियो में बताई जाएगी। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ऑनलाइन आवेदन करने में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। मार्कशीट, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, इन सभी चीजें आपको हर हाल में चाहिए। और अगर आपके मार्कशीट में जाति आपका गलत है तो आपको जाति प्रमाण पत्र भी लगेगा, और जनरल कैटेगरी के लिए आय प्रमाण पत्र जरूरी लगेगा। तो चलिए अब नियम शर्तों की बात करते हैं। तो आपको ज्वाइंट बैंक अकाउंट ऑनलाइन कराने के लिए नहीं देना है, और अगर बिहार से बाहर का खाता है तो आपको नहीं देना है। और देखिए यहाँ पर साफ साफ बता दिया गया है कि पंजीकरण कराने के बाद यानी रजिस्ट्रेशन कराने के बाद कुछ दिन इंतजार करना होगा बैंक खाता के वेरिफिकेशन के लिए, और जब वेरिफिकेशन हो जाएगा यानी आपका खाता सही पाया जाएगा तब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर यानी जो आपने मोबाइल नंबर डाले हैं उस पर यूजर आईडी और पासवर्ड एसएमएस के द्वारा आपके मोबाइल में आएगा, तब आपको लॉगिन करके आवेदन की पूरी प्रक्रिया को पूर्ण करना होगा। और एक बात और आपको ध्यान देना चाहिए कि बैंक खाता विद्यार्थी के नाम का होना चाहिए, नहीं तो पैसा नहीं भेजा जाएगा। संयुक्त खाता यानी ज्वाइंट खाता मान्य नहीं है। फिर एक और यहाँ पर इम्पोर्टेंट गाइडलाइन दिया गया है, इसे भी आप जरूर पढ़ लीजिए तभी आप ऑनलाइन आवेदन कीजिएगा, क्योंकि इन चीज़ों पर ध्यान ना देने से ऑनलाइन के बावजूद भी पैसा अकाउंट में नहीं आता है। इसको पढ़ने के लिए इम्पोर्टेंट गाइडलाइन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्या क्या जानकारी बताया जा रहा है इसको भी ध्यान में जरूर रखिए। बताया जा रहा है कि बैंक खाता स्टूडेंट के नाम से होना चाहिए, और जो आप ऑनलाइन करने में आधार कार्ड यूज करने वाले हैं वो भी स्टूडेंट के नाम से ही होना चाहिए। और एक मोबाइल नंबर से सिर्फ एक ही स्टूडेंट ऑनलाइन कर पाएंगे, और उसी प्रकार से एक ईमेल आईडी से एक ही स्टूडेंट ऑनलाइन कर पाएंगे, यानी आप एक मोबाइल नंबर या एक ईमेल आईडी से दो तीन बच्चों का ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते हैं। फिर यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि अगर आपका खाता इलाहाबाद बैंक में है, आंध्रा बैंक में है, कॉपरेशन बैंक में है, ओरिएंटल बैंक कॉमर्स में है, सिंडिकेट बैंक, यूनिटेस बैंक ऑफ इंडिया, विजय बैंक, इन सभी बैंकों में से है तो इन सभी बैंकों को यूज नहीं करना है। इन सभी बैंकों में पैसा नहीं आएगा, और बैंक खाता बिहार का होना चाहिए, और समय से पहले आपको अपने आवेदन को फाइनल सबमिट कर देना है। फाइनल सबमिट होने के बाद ही पैसा आपके अकाउंट में आएगा। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप डायरेक्ट आ सकते हैं। अब अप्लाई की बात करें तो आप यहाँ से अप्लाई भी कर सकते हैं क्लिक हेयर पर क्लिक करके। तो हम फिर मिलते हैं नए वीडियो में जिसमें पूरे प्रोसेस के साथ ऑनलाइन आवेदन करके बताने वाला हूँ। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।